नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में श्रीमद् भगवद् गीता के द्वितीय अध्याय में 25वें श्लोक में पुनः अर्जुन को शोक न करने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण यहाँ उसे आत्मा की सूक्ष्मता के विषय में बता रहे हैं। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेनम् नानुशोचितुम् अर्हसि। अयम अव्यक्त, कि आत्मा अप्रकट है, इंद्रियों का अविषय है। अयम अचिंत्य, ये चिंतन से भी परे है। अयम अविकार, ये समस्त प्रकार के विकारों से रहित है। यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। अविकार्य उच्यते तस्मात्, इसलिए है अर्जुन एनम, इसको ऐसा एवं विदित्वा जान करके अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें कि आत्मा अप्रकट है, इंद्रियों का विषय है, मन का विषय है, विकार रहित कही जाती है, इसके ऐसे स्वरूप को जानकर इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जो वस्तु मन और इंद्रिय का विषय होती है वो ही विकारी होती है, परंतु अपनी सूक्ष्मता के कारण आत्मा न तो मन और न ही इंद्रियों का विषय है, इसलिए ये विकारी भी नहीं है। तो फिर इसको मरने मारने का प्रश्न कहाँ से आता है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन भी किया गया है। आत्मा के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रकट करने के बाद अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तुम्हारे दृष्टिकोण को स्वीकार कर भी लें, मान भी लें, तो भी तुम्हारे लिए शोक करने का अवसर नहीं है। अथ चेनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अथ च, और यदि तुम एनम नित्य जातम, इस आत्मा को नित्य जातम, नित्य जन्मने वाला और नित्यम मृतम मन्य से, नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन एवं शोचितुम न हर हसी, तुम्हारे लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता को यदि स्वीकार कर भी लें तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु का विनाश अवश्य होता है और मरने वाले हर प्राणी की उत्पत्ति अवश्यंभावी है। जन्म और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए विशाल बाहु अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा का यदि तुम्हारा दृष्टिकोण अंगीकार कर ले, तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाली नित्य मरने वाली मानते हो, तो भी इस विषय में हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक विधान हैं, जिन्हें कोई भी टाल नहीं सकता। इसी बात को अगले श्लोक में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि जातस्य जन्म लेने वाले की ध्रुवा मृत्यु,
मृत्यु निश्चित है और मृतस्य मरने वाले का ध्रुवम जन्म जन्म निश्चित है, तस्मात् इसलिए अपरिहार्य अर्थे इस अनिवार्य या बिना उपाय वाले विषय में त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म और मृत्यु दोनों शरीर के अपरिहार्य धर्म हैं, इनके निवारण का कोई भी उपाय दृष्टिगत नहीं होता। यदि सृष्टि का शाश्वत क्रम यह है तो बिना उपाय वाले इस विषय में अर्जुन को शोक करने का अवसर नहीं है। ये श्लोक गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। इसमें सांसारिक जीवन चक्र को बहुत सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है, साथ ही पूर्ण जन्म के जो सिद्धांत है कि जन्म के बाद मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद फिर पुनः जन्म होता है, ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसको यहाँ पर पुष्ट किया गया है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। अब इस शरीर नश्वर होने के कारण शरीर के विषय में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी बात को अगले श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भूतानि सभी भूत अर्थात प्राणी, अव्यक्त आदिनि जन्म से पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अव्यक्त निदानी और मरने के पश्चात भी अव्यक्त हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। व्यक्त मध्यानी केवल बीच में ही वो शरीरधारी प्रतीत होते हैं। तत्र का परिवेदना, फिर उस विषय में क्या प्रलाप, क्या परिवेदना, क्या चिंता, क्या शोक। वस्तुतः हम किसी भी प्राणी के न तो भूतकाल के बारे में जानते न हम किसी के भविष्य के बारे में जानते। हमारा ज्ञान तो सिर्फ उसके वर्तमान तक सीमित है। आदि और अंत के बीच मध्य की जो वस्तु है जो कि भ्रमरूप है, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति, उस मध्य वाली जो भ्रमरूप प्रतीति है उसी को हम जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे स्वप्न की सृष्टि का उससे पहले और बाद में कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ बीच की अवस्था में संबंध होता है वो कोई नित्य संबंध नहीं है, इसलिए हमें उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये जो आत्म तत्व है ये कोई सामान्य विषय नहीं है। एक और जहाँ आत्मा सत्य स्वरूप है, वहीं दूसरी ओर जो इसकी आश्रय स्थल हैं देह आदि वो सब असत स्वरूप हैं, किंतु सत रूप में प्रतीत होते हैं। इस प्रकार आत्मा की जो आश्चर्यवत्ता है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आश्चर्यवत् पश्यति एनम कश्चिदेनम आश्चर्यवत् पदति तथेव चान्या आश्चर्यवच्च एनम अन्य श्रृणोति श्रुत्वाप्यनम वेद न चेव कश्चित। कश्चित कोई कोई तत्ववित्ता एनम
इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के समान देखता है। तथा एव उसी प्रकार कोई अन्य दूसरा ज्ञानी आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान इसका कथन करता है। और अन्य कोई दूसरा जिज्ञासु एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत श्रणोति, आश्चर्य के रूप में सुनता है। न कश्चित कोई अन्य जिज्ञासु एनम श्रुत्वा इस आत्मा को सुनकर भी न वेद एव कुछ जानता ही नहीं है। आत्मा को यहाँ पर दुर्विज्ञ और गहन बतलाया गया है। इसे ज्ञात होता है कि हजारों लाखों में कोई एक तत्व ज्ञानी ही है जो इसके स्वरूप को समझ पाता है। आम जन के लिए ये दुर्बोध है, दुर्विज्ञ है। आत्मा के संबंध में इतना विवेचन करने के बाद अब श्री कृष्ण उपयुक्त श्लोक में उसका उपसंहार कर रहे हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी के शरीर में अयम देही ये आत्मा नित्यम नित्य ही अवध्य वत के अयोग्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि इसलिए समस्त प्राणियों के लिए त्वं शोचितुम न अर्हसि तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। यहाँ आत्मस्वरूप का निश्चित जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के लिए नहीं अपितु आपको किसी भी प्राणी के लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा तो अवयव रहित है, नित्य है, उसे किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। इस श्लोकांश में भगवान ये दिखलाते हैं कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीर के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। वस्तुतः उनमें भेद नहीं है, वो आत्मा अवत्य है, उसका कभी भी किसी भी साधन से नाश नहीं हो सकता। धन्यवाद।